चलिए हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन सो आज हमारा यहाँ पे क्लास एलेवेंथ का सैम्पल पेपर नंबर फाइव है और इसका हम सोल्यूशन आपके सामने करने जा रहे हैं चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है सॉल्व फॉर एक्स इफ़ मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू टू प्लस आयोटा मतलब यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है इफ

सबसे पहले आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x इक्वल टू ए प्लस आईओटा बी मान लेना है मान लेंगे बेटा एक्स इक्वल और iota बी तो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है मॉड ऑफ x प्लस एक्स ठीक है मॉड ऑफ x प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है टू प्लस आईओटा तो यहाँ पे मॉड ऑफ x प्लस एक्स इक्वल टू टू प्लस आयोटा आपको पता है कि मॉड ऑफ x कितना होता है

ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस ये पीछे गंदा लग रहा है इसको आगे भेज दो इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा टू के इक्वल क्लियर भाई रियल पार्ट इसका टू है ना ये देखिए ये हाँ। टू के इक्वल हुआ ना हाँ। नहीं हुआ हाँ, हाँ। और आई का कोफिशियंट क्या है वन है आयोटा yes. बी इक्वल टू आयोटा तो बी इक्वल टू वन ये सो नो बी इक्वल टू वन समझ में आपको हाँ yes, अब यहाँ पे बी की वैल्यू वन डाल दीजिए तो 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 a स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू है तो का हो जाएगा क्लियर ओके yes, तो okay, अब होल कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा ओके okay, कितना आ जाएगा होल स्क्वायर करने पर देखिए प्लस वन का होल ओपन कर दीजिए आप

आ गया। सर। वैल्यू थ्री बाई फोर है और, आयोटा और आयोटा. की वैल्यू कितनी निकली so एक्सेप्टेड हाँ देश्य। देश्य। तो बच्चों इस तरीके से बनते हुए सवाल आप लोग एग्जाम में छोड़ के आते हो केवल किस लिए क्योंकि आप मैथ्स में फाइटर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो मैथ्स में वही जीतता है जो बहुत पेन चलाता है इट डजेंट मैटर गलत सही एक बार आप करो तो अब आप क्वेश्चन देख के ही हार जाओगे तो बेटा कैसे काम चलेगा ठीक है ना क्वेश्चन बहुत इजी था ए प्लस बी आई मानना था और सॉल्व करते जाना था क्लियर बेटा देखिए पहला ही क्वेश्चन इतना प्यारा निश्चित रूप से हमारी नींद यहाँ पे जा चुकी है क्यों स्टूडेंट्स सही बोल रहा हूँ नोट कर लिया नहीं किया अभी करिए देखो बच्चों अगर आधे से ज्यादा बच्चों के सामने ये क्वेश्चन एक्स की जगह में है ना मॉड ऑफ जेड प्लस जेड होता तो बच्चे बिना सोचे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर देते करते कि नहीं करते हाँ बट यहाँ पे क्वेश्चन ने यही खेल दिया उसने आपको मॉड एक्स दे दिया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कह लो या मॉडल ऑफ एक्स प्लस एक्स इक्वल टू अब देख के पता लगाना था कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है तो आप एक्स को क्या मान सकते हो अब मैग्नीट्यूड दे रखा है तो एक्स को को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान सकते हो तो यू कैन से नॉट क्लियर सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा है। N बिल्कुल सही है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है One, three, five, GP, ए,

क्या आंसर बोलिए फोर एन प्लस वन फोर एन प्लस वन लेट सी वेरी गुड बेटा फोर एन प्लस वन क्लियर हाँ बिल्कुल सही है फोर एन प्लस वन अभी मैं यहाँ आप पे आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा बेटा B जैसे आपके पास में ये सम दिया हुआ है तो एस एन इक्वल टू दिया है बेटा टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन इस सीरीज का अगर आपसे कोई कॉमन डिफरेंस बोले तो मालूम क्या है रूल 2 तारे तारे जो है एंसम आपने निकाल लिया है बिल्कुल सही ठीक है ना अब इसकी कोई भी सीरीज का बेटा होता है आप इसने फर्स्ट टर्म उससे करके निकाला है एक और मैं आपको बता देता हूँ ए पी के एंथ टर्म का फॉर्मूला डायरेक्ट फार्मूला लिख लें टी एन कह लीजिए या ए एन कह लीजिए दैट इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन ये इससे भी आप लगा सकते हैं अगर आपको सम दिया है तो आप टर्म निकाल सकते हैं जैसे यहाँ पे सम दिया है टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन ठीक है बेटा तो यहाँ पे सम आपको दिया गया है टू एन स्क्वायर प्लस कितना थ्री एन क्लियर हुआ सर तो ए एन कितना निकलेगा सबसे पहले एस एन तो एस एन की वैल्यू कितनी है टू एन स्क्त थ्री एन माइनस एस एन माइनस वन मतलब कि टू एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री एन के प्लेस में एन माइनस वन क्लियर की नॉट क्लियर सो ए एन इक्वल टू कितना जाएगा बेटा टू एन स्क्वायर

प्लस थ्री एन माइनस देखिए अब यहाँ पे टू एन स्क्वायर है और माइनस का फोर एन माइनस का थ्री एन माइनस का सेवन एन हो जाएगा माइनस का फोर एन माइनस का थ्री एन और टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा क्लियर टू एन स्क्वायर थ्री एन एक मिनट बेटा बेटा यहाँ पे प्लस थ्री एन था ना तो यहाँ पे प्लस चलेगा ओके यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस थ्री एन माइनस थ्री ओके तो टू थ्री कितना हो गया माइनस वन कितना हो गया बेटा so, तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा हम्म देखो प्लस का टू और माइनस का थ्री इट विल बी

हो गया तो करिए ये, main ये formula, nth term का मतलब आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन मतलब एन माइनस वन टाइम्स तक फॉर्मूला नोट कर डन सर कोई दिक्कत बेटा नो चल चलिए नोट कर लिया सर ओके सो वेरी सिंपल आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया सो यू विल बी गिवन फुल मार्क्स ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ अपन का नहीं है देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं मतलब मूर्ख बनाने वाला क्वेश्चन है ये देखने चाहता है ये क्वेश्चन कि कितने लोग पेपर देने वाले उल्लू हैं उल्लू के पट्टे हैं उल्लू से अच्छा तो भैया देखो क्या कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू फाइव है है ना फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स मतलब भाई साहब एक तरीके से डोमेन दे रखी है एक्स बिलोंग्स टू आर ये डोमेन दे रखी है फाइंड एक्स प्लस फाइव लियो भाई साहब अब कह रहा है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू फाइव है इस क्वेश्चन को पहले प्लॉट कर लो जैसे ही प्लॉट करोगे क्वेश्चन की पोल खुल जाएगी हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू फाइव बेटा दिया है क्वेश्चन के नहीं दिया एफ एक्स को आप क्या लिखते हो वाई तो एक तरीके से बेटा ये जो फंक्शन जो हमारे सामने दिया गया है ये कैसा फंक्शन है बेटा कांस्टेंट फंक्शन है constant. ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन है है ये x है और y की वैल्यू हर वक्त कितनी है 5 है 5. चाहे आप x कुछ भी ले लो अब भैया जब आप x कुछ भी ले रहे हो तो उसकी वैल्यू फाइव है तो अगर आप x में पांच भी ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा फाइव ही 5. आएगा वही क्योंकि इसकी वैल्यू कभी बदल ही नहीं रही है तो क्लियर की नॉट क्लियर सर

चलिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन से कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं यहाँ पर ये यह पूछा जा रहा है कि चार वेट्स हैं आपके पास तो क्वेश्चन को समझिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू कैन वे If you have four distinct weight, चलिए डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा हम पिक्चराइज़ करते हैं। बेटा आपके पास चार वेट है एक ये है वेट one, वेट double, वेट three, वेट four। कह रहा है कि आप कितनी चीजें इससे कितने प्रकार के मास को मेजर कर सकते हो? कितने प्रकार के मेजरमेंट आप वेट कर सकते हो? समझ में आया कि नहीं भाई? मेरी बात? सर तो भैया आपको पता होगा टोटल अपने पास में टोटल थिंग्स कितनी है चार चीज तो मेजर yes, करने के लिए हो सकता है बेटा फर्स्ट फोर में से जीरो वेट्स ले लो यस सनो यस सर तो फर्स्ट कलेक्शन ये हो जाएगा कि मैं जीरो हाँ. किलोग्राम को मेजर कर सकता हूँ अगर yes, अगली चॉइस फोर में से कोई एक वेट्स को मेजर ले लो तीस, तीसरी चॉइस है 4c2 फिर है 4c3 और लास्ट है कितना 4c4 क्लियर की नॉट क्लियर यस सर तो फोर सी जीरो फोर सी वन फोर सी टू फोर सी थ्री फोर सी फोर क्लियर इसकी डायरेक्टली ट्रिक भी होती है इसकी डायरेक्टली ट्रिक वही होती है कि जितने सबसेट्स हुआ करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स टू सबसे पावर एन ओके यस सर तो यहाँ पे टू की पावर कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा बिकॉज एन इक्वल्स टू फोर है क्लियर यस सर तो आंसर आएगा सिक्सटीन कितना आएगा बेटा 16 अदरवाइज मेथड लगाना है तो मेथड लगा लीजिए 4c0 किसी भी चीज का 0 कितना होता है कॉम्बिनेशन 1, 1. 4c1 yes. कितना होगा 4, बेटा 4 हो जाएगा अब बेटा यहाँ से 4. भी 4 चलेगा. चलेगा आपको पता है कि जितना आगे से, से आती है उतनी वैल्यू पीछे से आती है पीछे से भी 4c4 भी कितना होगा 1, 1. 4c3 भी कितना होगा 4 होगा क्लियर क्योंकि आगे और पीछे से बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम होते हैं बच गया 4c2 फोर सी टू निकाल देता हूं मैं ऊपर से दो कदम पीछे और नीचे से दो कदम पीछे क्लियर क्लियर चलिए चार छः दस दस चार चौदह पंद्रह सोलह यानी कि फोर प्लस सिक्स टेन टेन प्लस फोर फोर्टीन प्लस क्लियर आंसर आ गया समझ में ना सर सो हाउ मेनी टोटल वेट्स आर यस दे मतलब कुछ मत लो याद आया हाँ. करिए जब मैंने कहा था फोर सी जीरो कुछ भी मत लेना एक केस बना था फोर सी जीरो तो भाई वो मेजरमेंट में थोड़ा ना आएगा उसको तो हटाना हाँ. पड़ेगा yes, ये सुनो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आपको याद होंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स टू टू पावर एन माइनस वन इट इज टू टू पावर फोर माइनस वन सिक्सटीन माइनस वन इक्वल्स टू फिफ्टीन क्लियर बेटा बिकॉज यहाँ पे एक ये कह रहा कोई मतलब तो वो तो नल सेट हो जाएगा ना बेटा क्लियर उसको हम बाहर कर सकते हैं डन सो टोटल यहाँ पे हो जाएगा फिफ्टीन ठीक है सो टोटल पंद्रह तरीके हैं यहाँ पे वेट मेजर करने के अलग अलग पंद्रह प्रकार के वेट आप मेजर कर सकते हो डन चलिए एक ट्रिक आपको यहाँ पे एक मैं बता देता हूँ मुझे याद आ गई है वो ट्रिक क्यों ना आपको बताई जाए hmm. देखिए वो ट्रिक क्या है बेटा एक चीज समझिए एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री डॉट डोट 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 डॉट एन सी एन इक्वल्स टू 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 दी पावर एन नोट कर लीजिए मतलब एन गिवन थिंग्स में से नो no थिंग्स फिर वन थिंग्स फिर टू थिंग्स फिर थ्री थिंग्स टू एन थिंग्स लेकर के जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं ये टू की पावर एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर ऑफ सिलेक्शन टेकिंग जीरो थिंग्स एट अ टाइम वन थिंग एट अ टाइम टू थिंग एट अ टाइम टू लाइक दैट इज इक्वल्स टू 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 दावर एन Clear? No. So, यहाँ पे हो गए यहाँ पे अगर आप एन सी जीरो जो होता है उसको यदि आप इसकी वैल्यू वन डाल दें सो वन प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी एन इक्वल्स टू 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 दावर एन क्लियर की नॉट क्लियर बिकॉज बेटा ये जो वन है ये वाला जो वन है ये किसको रेफर कर रहा है बेटा एनसी जीरो मीन एक केस नथिंग का है, ये yes no? सुनो। एक केस कुछ ना लेने का है उस कुछ ना लेने ले को हम क्या बोल सकते हैं नथिंग ओके सो बाकी के केस कितने बन जाएंगे बेटा बाकी, बाकी, बाकी के, के, के केस बन जाएंगे एन सी वन प्लस एनसी टू प्लस एनसी थ्री डॉट 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 एनसी एन एक पावर माइनस वन क्लियर की क्लियर? तो क्या हो गया बेटा ये टू की N आगे। Done? आगे। कर लीजिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्सल जीरो इस इक्वेशन के रेफरेंस में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो तो जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है वो क्या है वी हैव द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो अब इसके दो रूट्स हैं द गिवन रूट्स आर अल्फा एंड बीटा तो सबसे पहले मैं रिलेशनशिप बना लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा टू कितना हमारे पास आ चुकी है हमसे पूछा क्या क्या है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यूब तो हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए अल्फा क्यूबी के लिए जिसमें दो चीजें इन्वॉल्व होंगी एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इन टू बीटा ये दो चीजें हमारा काम कर देंगी अगर इन्वॉल्व है तो ठीक है बेटा सर तो देखिए मेरे को याद है एक फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा इन साइड द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ये सोनू तो मैं इतने पार्ट को रोक लूंगा बाकी सब आ जाएगा मेरे पास तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इनसाइड साइड द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा क्यूबा अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, p. So p q, 3 q है p. वही है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्लियर बेटा सो माइनस पी का क्यूब और माइनस माइनस हो गया प्लस

क्वेश्चन नंबर नाइन करवाना तो नहीं चाहता था बट परमोटेशन कॉम्बिनेशन का है इसलिए सोच रहे हैं करवा दी ओके प्रोबेबिलिटी का है कोई बात नहीं छोड़िए इसको चलिए टेंथ आया क्या बेटा टेंथ बना आप लोगों से हाफ अच्छा पहले सोलूशन में देखते हैं कैसा किया गया है टेन फोर्टी फाइव प्लस एक्स इक्वल टू तो वहीं से शुरुआत होगी क्वेश्चन की टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से तो ये वाला टर्म तो आ गया होगा बेटा yes, नहीं आया आ, सर ओके okay, तो टेन फोर्टी एक्स टेन ए प्लस टेन भी तो एक्चुअली टेन फोर्टी फाइव है अगर आपको डर लगता है तो आप फोर्टी फाइव को पाई बाई फोर भी लिख लो ओके तो plus x हाँ सो टेन फोर्टी फाइव प्लस एक्स इक्वल्स टू टेन पाए बाई फोर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन पाए बाई फोर इंटू टेन एक्स क्लियर सो टेन पाए बाई फोर इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स तो ये वैल्यू हो गई बेटा किसकी टेन पाए बाई फोर प्लस एक्स की

और cos एक्स cos एक्स दोनों कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा हो जाएगा बेटा तो कुल मिला के क्या बन गया मेरे पास कॉस एक्स प्लस अब इसके पास जगह नहीं है दूसरे पेज में सॉल्व कर रहा हूँ मेरे पास बना क्या है मेरे पास बना है कहिए बेटा बना बना कि sin sin. नहीं अब मैं क्या करता हूँ बेटा इसके रेसिप्रोकल नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा मतलब एक तरीके से रेशनलाइजेशन करने की कोशिश करूंगा तो इसके रेसिप्रोकल नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो रेसिप्रोकल माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos x sin x साँग और ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी चीज का cos x sin x क्लियर की नॉट क्लियर हां सर ये दोनों चीज सेम है सो इट विल बी बेटा cos x ऊपर 1 हो जाएगा ना sin x का होल स्क्वायर ओके अच्छा

One के नीचे आप ब्रेक कर दीजिए को और साइन के नीचे ब्रेक कर दीजिए क्लियर हुआ हाँ सर तो हो हो जाएगा जाएगा बेटा यही आंसर आ गया क्या यही प्रूफ करना हाँ। था चलिए नोट कर लीजिए इसको ओके okay? हाँ कोई दिक्कत है क्या आपको नोट कर लें